brought to you by ITIL. सीजीआई अपने बगल में बैठे जज के हाथों को थपथपाते हैं। चेहरे पर मुस्कान है लेकिन आंखें नम हैं। साथ बैठे जज भी तारीफों के पुल बांध रहे हैं, पुराने किस्सों का जिक्र कर रहे हैं। सीजीआई जेब में रखा रुमाल निकालते हैं, चश्मा हटाकर अपनी नम आंखों को पोंछते हैं, फिर अपनी कुर्सी से उठते हैं, दोनों हाथ जोड़कर सामने खड़े लोगों और अपने साथियों का अभिवादन करते हैं। आज से पहले सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को दृढ़ता के साथ सख्त फैसले लेते हुए तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन उनकी ये तस्वीर आपके और हमारे लिए बिल्कुल नई है। हाथ जोड़कर खड़े सीजीआई की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। 10 नवंबर को सीजीआई चंद्रचूड़ रिटायर हो रहे हैं। शनिवार और रविवार के चलते 9 और 10 तारीख को कोर्ट बंद रहेगा। इस लिहाज से 8 नवंबर सीजीआई चंद्रचूड़ का लास्ट वर्किंग डे है। अपने कार्यकाल के आखिरी दिन सीजीआई भावुक नजर आए। सुप्रीम कोर्ट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दूसरे मामलों में सुनवाई चल रही थी। बेंच में जस्टिस पीएस नरसिंहा भी बैठे थे। सुनवाई के बाद जस्टिस पीएस नरसिंहा सीजीआई चंद्रचूड़ को लेकर भावुक हो गए। वो पुराने किस्से याद करने लगे। अपनी भावना जताते हुए उन्होंने कहा कि कई रूप में मैं सीजीआई चंद्रचूड़ का कायल हूं। मैं वकील के रूप में भी उनके कोर्ट में कई बार पेश हुआ, फिर बेंच में भी उनके साथ रहा, कई सारे मुकदमे सुने और समय समय पर सलाह मशवरा भी किया। इससे पहले कि वो और बातें बताते हुए भावुक होते, सीजीआई चंद्रचूड़ ने उनका हाथ पकड़ लिया। सीजीआई का हाथ पकड़ते हुए जस्टिस नरसिंहा ने कहा, सीजीआई चंद्रचूड़ एक धैर्यशील व्यक्ति हैं, उन्होंने असाधारण योगदान दिया है। वो जिस तरह से आम जीवन को कानून से जोड़ते हुए फैसले सुनाते हैं वो असाधारण है। जस्टिस नरसिंहा की बातें सुनकर सीजीआई भावुक हो गए। उन्होंने रुमाल से अपनी आंखें पोंछी और कुर्सी से खड़े हुए, फिर दोनों हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया, अपने साथ बैठे जजों से हाथ मिलाया और कोर्टरूम से बाहर की तरफ चल दिए। बताते चले कि सीजीआई चंद्रचूड़ देश के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। इस पद के लिए उन्हें साल 2022 में नियुक्त किया गया था। सीजीआई चंद्रचूड़ के बाद पद का कार्यभार जस्टिस संजीव खन्ना संभालेंगे। जस्टिस खन्ना ने सीजीआई को लेकर कहा, चैम्बर में सीजीआई चंद्रचूड़ की विदाई के संबंध में सबसे ज्यादा संदेश वंचित समुदाय के बच्चों की तरफ से आए हैं। सीजीआई वीगन है, वो सुबह 4 बजे उठते हैं, उन्हें समोसे बहुत पसंद है, उनके दिमाग में म्यूजिक, हाइकिंग और क्रिकेट जैसी चीजें भी चलती रहती हैं। जस्टिस खन्ना की बात पर सीजीआई ने कहा, रात को मैं सोच रहा था कि दोपहर 2 बजे कोर्ट खाली होगा और मैं स्क्रीन पर खुद को देखूंगा। मैं आप सभी की उपस्थित से अभिभूत हूं। मैं अपने करियर के शुरुआती दिनों में इस अदालत में आता था, मैं इस कोर्ट को देखता था। यहाँ हम सब तीर्थयात्रियों के रूप में हैं, पक्षियों की तरह कुछ समय के लिए आते हैं, अपना काम करते हैं और अलग अलग विचारों वाले अलग अलग लोगों से मिलते हैं, फिर चले जाते हैं। बताते चले कि सीजीआई चंद्रचूड़ ने अपने 2 साल के कार्यकाल में इलेक्टोरल बॉन्ड और सेम सेक्स मैरिज जैसे कई सारे अहम फैसले सुनाए। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए दी ललन टॉप। जाते जाते एक और जरूरी सूचना, ललन टॉप का सालाना अड्डा लौट आया है। तारीख 22 नवंबर से 24 नवंबर तक दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। रजिस्ट्रेशन के लिए lalantop.com पर दिए गए बैनर पर क्लिक कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। बनिए 3 दिन के ललन टॉप अड्डा का हिस्सा सिर्फ 499 रुपए में।